नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबी यादव। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती नजर आ रही है। जहां एक और बकाया राशि जमा कर NOC लेने में होड़ मची दिखाई दे रहा है, तो वही दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ नगर पालिका परिषद, जहाँ के कुल 20 वार्डों में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव के ऐलान के बाद भाजपा और कांग्रेस का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। भाजपा के जिला प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने कहा कि हम अपनी रणनीति नहीं बल्कि कांग्रेस की विफलता से यह चुनाव जीतेंगे और खैरागढ़ नगर पालिका में भाजपा का अध्यक्ष काबिज होगा। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की ओर से जिला प्रवक्ता रूबेश दुबे ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण नगरी निकाय की जनता को उनके शासनकाल में जो बेतहाशा नलकर जलकर संपत्ति कर की मार झेलनी पड़ी, जिससे परेशान होकर भाजपा को नगरी निकाय चुनाव में पिछली बार हार का सामना करना पड़ा। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार है और उनकी जनहितैषी नीतियों के कारण नगरी निकाय की जनता फिर एक बार खैरागढ़ में कांग्रेस को चुनेगी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जब से सरकार में आई है, तब से किसानों के लिए, आम जनता के लिए जो योजनाएं लागू की, उसका परिणाम ये रहा कि 11 नगर निगमों में से 10 नगर निगम में हम काबिज हुए और फिर से अभी नगरी निकाय के चुनाव होने हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार की भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार है, उसकी नीतियाँ आम जनता के लिए है, उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। भाजपा ने तो नगरी निकाय जो स्वायत्तसेवी संस्थाएँ थी, उनके अधिकारों पर कुठाराघात करके आदमी को संपत्ति कर नल कर जल कर में जो बेतहाशा वृद्धि की थी, उसके कारण उन्हें सत्ता से दूर होना पड़ा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, जनता की सरकार है, फिर से शहर की जनता नगर निगम के चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस को पुनः सत्ता पर काबिज करके अपना नगरीय निकाय की जनता स्वीकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल की सरकार की विफलताओं को लेकर लड़ेगी। जिस हिसाब से अभी आज हमने अखबारों में पढ़ा, 11 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना इसलिए वापस हो गई कि राज्य सरकार ने अपने 40% का अंश नहीं दिया है। खैरागढ़ नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार रहा है, सारी दुनिया ने देखा है। खैरागढ़ में इस बात का आक्रोश है। हम अपनी रणनीति से नहीं, कांग्रेस की विफलता से हम इस चुनाव जीतेंगे। खैरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लोग काबिज होंगे, सर्वाधिक पार्षद वहीं से चुने जाएंगे, अध्यक्ष भी हमारा ही होगा।